नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर ब्रेक्स इफ इट्स टेंशन एक्सीड्स 10 न्यूटन, अ स्टोन ऑफ मास 250 ग्राम टाइड ऑन दिस स्ट्रिंग इज रोटेटेड इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन कैन बी, ऑप्शन है 20, 40, 100 या 200 रेडियन पर सेकेंड। नाउ स्नैरियो ये है कि पार्टिकल आपका ऐसे गोल गोल घूम रहा है और लेट्स से इस तरह जा रहा है, ये आपकी ऐसे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। सो इस केस में जो ये टेंशन टी है इसको हम लिखते हैं, दिस विल बी इक्वल टू एम ए सी, यहाँ पे नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स आपका टेंशन प्रोवाइड करेगी। अब क्योंकि यहाँ पे ओमेगा की बात कर रहे हैं तो इसको हम लिख लेते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर, विच इम्प्लाइज आप लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई एम आर, और विच इम्प्लाइज ओमेगा विल बी इक्वल टू अंडर रूट टी बाई एम आर। बस यहाँ टी और एम आर की वैल्यू रखें हमारा आंसर आ जाएगा। सो टी है अपना 10 डिवाइडेड बाई एम, एम दिया हुआ हमें 250 ग्राम, यानी कि 250 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई आर, आर की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 वाले, इसको जब हम सॉल्व करेंगे सो ये हो जाएगा ओमेगा विल बी इक्वल टू ऊपर आ गया 10 मल्टीप्लाइड बाय ये हो गया 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 250, एक 10 और कट जाएगा इससे, सो दिस विल बी 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 25 का अंडर रूट, और 10 टू पावर 4 है और इसका अंडर रूट आएगा 100 डिवाइडेड बाय 5, यानी कि आपकी ओमेगा है उसकी वैल्यू हो गई 20 रेडियन पर सेकेंड, राइट, विच इम्प्लाइज ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द राइट चॉइस।